सो फ्रेंड्स ये कर तो नैना तबला सीख रही है, और देखो इसको ऐसे करते हैं, दो बार ये और दो बार ये करो, डक डक ये नहीं ये पकड़ लेना, ये सान पूरे हाथ से नहीं बजा सकते, पूरे हाथ से नहीं बजा सकते। जाओ बजाओ, मेरे बेस ने गिराओ, करो करो लगता है मुझे बाहर से सीखना पड़ेगा। नहीं नहीं बजाओ बजाओ ऐसे ही, मैं तो पूरी तरह ट्रेन कर दूंगा, पर तेरे को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अरे ये वाला इससे बचता है, वो इससे बचता है, जो तेरा गाइड हैंड है ना, जहां से तेरा जो तक मेन हैंड है उस पर छोटा वाला होना चाहिए। कई लोग कहते हैं निफ्टी होते हैं तो वो क्या रख देते हैं, क्योंकि उनका मेन हैंड का तो निफ्टी होता है। ऐसे ढूंढना होता है, दोनों बजते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, मतलब सुनाया ना, तबला सीखने का तो बड़ी आतुक थी, पर अब हिम्मत हार रही है। अरे बड़ी साधना चाहिए इस चीज के लिए। आपने बड़ी है। बहुत सीखा था मैंने, मैंने अपने करीम मामा से सीखा था। दोस्तों उसके बाद मैं अपने ससुराल के सामने वाले पार्क में थोड़े क्रिकेट खेला, और वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे तो मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेलने लगा। जो जो पीछे अंकल बैठे थे हमारे, यहीं सामने रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम बच्चों के बच्चे क्यों हो रहे हो। मैंने कहा मेरे अंदर बचपना थोड़ा बहुत होना चाहिए, बचपना बहुत ही अच्छा होता है तो होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बहुत करीबन 3-4 महीने बाद ये क्रिकेट खेला है। पहले मैं बहुत टाइम पहले खेलता था, फिर मैंने थोड़े दिन पहले खेला, तो आज मैं फिर थोड़े दिन खेल रहा हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पार्क में खेलने के लिए। अपने अंदर के बचपने को कभी मारना नहीं चाहिए, और हमें खेलते रहना चाहिए। तेरे पीछे